brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया, खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसेज हैं। हमारे पास 26,000 लोग इस वक्त होम क्वारंटीन में, जो मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिक चीज शुरू की थी दिल्ली में, इसको पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं। 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं, आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। उन्होंने सोमवार तक 250 बेड्स देने की बात की थी, पर आई एम श्योर कि वो एक आध दिन में उसकी नीटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी, 250 तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 750 बेड्स मिल जाएंगे। पर जैसे ही ये 250 बेड्स भी पहली खेप आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें आईसीयू बेड्स की भी चिंता नहीं है। तो मेन चीज यह है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है, कोरोना को कंट्रोल करना है। अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है सर। लेकिन कंफ्यूजन इस बात को आ गया है, बहुत ब्रॉड लेवल पे अगर हम दुकानदारों की बात करें तो वो डरे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले नहीं। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर लेके जाएं अपने साथ में, मास्क लगा के जाएं। सरकार हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, बेटर हॉस्पिटल ठीक से मैनेजमेंट कर रही है इसको। आम पब्लिक से भी अपेक्षा है कि वो भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर जरूरत पड़ी तो हमने जो केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है वो इतनी भर है कि जरूरत पड़ी तो कुछ मार्केट्स में थोड़े से रेगुलेशंस बढ़ाए जा सकते हैं, बट वो किसी भी रूप में लॉकडाउन नहीं होगा सर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लीगों में 200 लोगों के लिए परमिट किया गया था, उसको कम करके 50 कर दिया गया, क्या एजी की मंजूरी मिल गई है? हाँ, इसको एजी साहब की मंजूरी हो गई है और ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि पब्लिक जितना ज्यादा एक जगह पर इकट्ठी होगी उतना ही नुकसान है। तो बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं करना है, लेकिन पब्लिक को बहुत ज्यादा इकट्ठा होने से रोकना है। तो उसके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस, जो रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो समय समय पे सरकार पूरी नजर रख रही है, मार्केट्स में भी रख रही है, बाकी जगह भी रख रही है। जहां से ज्यादा कोरोना के केसेस आएंगे, वहां अगर पब्लिक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए तो ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं है।